हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम 20,000 की प्राइस रेंज में बेस्ट गेमिंग फोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें आपको तगड़े लेवल का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिससे यदि आप गेमिंग करते हैं तो इनमें आपको लैग या फ्रेम ड्रॉप जैसे इशू देखने को नहीं मिलेंगे और आप गेमिंग और कोई भी हैवी टास्क स्मूथली कर पाएंगे। साथ ही इन फोन्स में आप प्रो फोटोज वीडियोज भी कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि इनके कैमरे से आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमने सारे फोन्स को काफी रिसर्च और एनालिसिस के साथ फीचर वाइज रैंक किया है, जिससे आप अपने लिए बेस्ट फोन सिलेक्ट कर पाए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो नंबर 5 पर है OnePlus Nord CE 2 Lite 5G स्मार्टफोन, जिसमें आपको 6.59 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और ये 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट के साथ आती है। गाइस, इस OnePlus Nord CE 2 Lite के कैमरे की बात करें तो इसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल और 2+2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जिनसे आप 30 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, और इससे भी आप 30 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। इसके साथ साथ इस फोन में 33 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। गाइस, सिक्योरिटी पर्पस से इसमें फेस अनलॉक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। चिपसेट की बात करें तो ये फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर के साथ आता है, और इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 4,02,000 का एंटोरियो स्कोर देखने को मिल जाता है। गाइस, यदि इस फोन के फॉर्म फैक्टर और बेसिक चीजों की बात करें तो ये फोन प्लास्टिक बैग के साथ आता है, साथ ही ये 195 ग्राम्स का देखने को मिलता है। 5G नेटवर्क की बात करें तो इस फोन में आपको 5 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंड्रॉइड वर्जन 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। गाइस, यदि इस फोन में आप 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट लेते हैं तो ये आपको 19,999 का देखने को मिल जाता है। सो नंबर 4 पर है वीवो की सब ब्रांड का iQOO Z5 5G स्मार्टफोन, जिसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो 120 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट के साथ आती है। गाइस, इस iQOO Z5 के कैमरे की बात करें तो इसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, जिनसे आप 30 FPS पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आप 30 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 44 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ 5000 mAh की बैटरी मिलती है। गाइस, सिक्योरिटी पर्पस से इसमें फेस अनलॉक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो ये फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर के साथ आता है, जिसमें आप कोई भी हैवी टास्क स्मूथली कर सकते हैं। और इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 5,57,000 का एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाता है। गाइस, यदि इस फोन के फॉर्म फैक्टर और बेसिक चीजों की बात करें तो ये फोन प्लास्टिक बैग के साथ आता है, साथ ही ये 193 ग्राम्स का देखने को मिलता है। 5G नेटवर्क की बात करें तो इस फोन में आपको इंडियन वेरियंट में सिर्फ 2 ही 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं, और यही इस फोन की एक बड़ी कमी है। इसके अलावा इसमें एंड्रॉइड वर्जन 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। गाइस, यदि इस फोन में आप 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लेते हैं तो ये आपको 19,990 का देखने को मिल जाता है। सो नंबर 3 पर है Moto S20 Fusion 5G स्मार्टफोन, जिसमें आपको 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट के साथ आती है। गाइस, इसके कैमरे की बात करें तो इसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, जिनसे आप 30 FPS पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आप 30 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 30 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ 5000 mAh की बैटरी मिलती है। गाइस, सिक्योरिटी पर्पस से इसमें फेस अनलॉक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो ये फोन MediaTek Dimensity 800U पावरफुल 5G प्रोसेसर के साथ आता है, जिसमें आप तगड़ी गेमिंग कर सकते हैं। और इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 361,000 का एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाता है। गाइस, यदि इस फोन के फॉर्म फैक्टर और बेसिक चीजों की बात करें तो इसके डिस्प्ले में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, और ये ग्लास बैक के साथ आता है, साथ ही ये फोन 185 ग्राम्स का देखने को मिलता है। 5G नेटवर्क की बात करें तो इस फोन में आपको 13 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंड्रॉइड वर्जन 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। गाइस, यदि इस फोन में आप 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लेते हैं तो ये आपको कार्ड या ऑफर के साथ 19,949 का देखने को मिल जाता है, और इसका 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 18,999 का देखने को मिल जाता है। सो नंबर 2 पर है Realme 9SE 5G स्मार्टफोन, जिसमें आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो 144 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट के साथ आती है। गाइस, इसके कैमरे की बात करें तो इसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी
प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल और 2+2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जिनसे आप 30 FPS पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आप 30 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 30 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ 5000 mAh की बैटरी मिलती है। गाइस, सिक्योरिटी पर्पस से इसमें फेस अनलॉक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। चिपसेट की बात करें तो ये फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर के साथ आता है, जिसमें आप हैवी गेमिंग कर सकते हैं। और इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 541,000 का एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाता है। गाइस, यदि इस फोन के फॉर्म फैक्टर और बेसिक चीजों की बात करें तो ये फोन प्लास्टिक बैग के साथ आता है, साथ ही ये 199 ग्राम्स का देखने को मिलता है। 5G नेटवर्क की बात करें तो इस फोन में आपको 5 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंड्रॉइड वर्जन 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। गाइस, यदि इस फोन में आप 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट लेते हैं तो ये आपको 19,999 का देखने को मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 के स्मार्टफोन के बारे में, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दें। सो नंबर 1 पर है हमारी लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन, Redmi Note 11 Pro Plus 5G, जिसमें आपको 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो 120 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग रेट के साथ आती है, जिसमें आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी में कंटेंट देख पाएंगे। गाइस, इस Redmi Note 11 Pro Plus के कैमरे की बात करें तो इसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, जिससे आप 30 FPS पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आप 30 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 67 वाट के फास्ट चार्जर के साथ 5000 mAh की बैटरी मिलती है। गाइस, सिक्योरिटी पर्पस से इसमें फेस अनलॉक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो ये फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर के साथ आता है, और इसमें आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। और इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 396,000 का एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाता है। गाइस, यदि इस फोन के फॉर्म फैक्टर और बेसिक चीजों की बात करें तो इसके डिस्प्ले में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, और ये प्लास्टिक बैग के साथ आता है। साथ ही ये फोन 202 ग्राम्स का देखने को मिलता है। 5G नेटवर्क की बात करें तो इस फोन में आपको 7 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं, जो 5G नेटवर्क के साथ बहुत ही अच्छे से काम करने वाले हैं। गाइस, यदि इस फोन में आप 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लेते हैं तो ये आपको 20,000 से थोड़ा ऊपर 21,200 का देखने को मिल जाता है। और इस बजट रेंज के फोन के कंपैरेटिवली इसमें आपको सारे स्पेक्स बहुत ही अच्छे दिए गए हैं। लेकिन अगर आपका बजट 20,000 तक का ही है तो गेमिंग के लिए Realme 9 SE आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दें।